हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के छठे चैप्टर का अगला टॉपिक सन 1857 की महान क्रांति और जातीयतावाद। तो जो ये टॉपिक है इसमें बताया गया है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई वो कैसे हुई और इसमें क्या हुआ, और जो ये क्रांति थी वो एक तरह से क्या थी, स्वाधीनता के लिए जो युद्ध था वो था। तो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 का जो युद्ध हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। तो ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत जो बंगाल था उसने क्या किया, जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश लोग थे, उनसे समझौता कर लिया। तो ब्रिटिश शासन जब था उसके बाद लगभग एक शताब्दी के उपरांत, मतलब 100 साल के बाद, जो बंगाल था उसने ब्रिटिश शासन के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, सूखा पड़ गया। तो सूखा पड़ने से क्या हुआ, जो किसान लोग थे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो किसानों के पास इस समस्या का हल निकालने के लिए और कोई रास्ता था नहीं, बस एक ही रास्ता था कि वो जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनके साथ समझौता कर लें ताकि वो उन पर कुछ रहम कर सकें। तो जो नया बुद्धिजीवी वर्ग था, जो कि टीचर्स वगैरह थे, अध्यापक थे या इंजीनियर वगैरह, ये सब लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था, जो ये अंग्रेज लोग थे, पश्चिमी लोग थे, इनकी ओर इस आशा से देख रहा था कि ये लोग क्या करेंगे, कोई उदारता दिखाएंगे, तो इसके वजह से क्या होगा, इनकी जो उन्नति है, प्रगति है, वो होगी। तो जो ये स्थिति थी, जो दक्षिण था और पश्चिमी भारत था, जो कि मद्रास और मुंबई, ये भी देख रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ कि ये लोग कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, उधार बनेंगे, ताकि हम लोगों का क्या होगा, उद्धार होगा, हमारी प्रगति होगी। लेकिन जो उत्तरी सूबा था वहाँ पर कोई ऐसा झुकाव नहीं देखा गया। तो उत्तर के जो लोग थे, उत्तर भारत के जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे इनसे इस तरह की रहम की भीख मांगना। तो जो सामंत सरदार थे और उनके जो अन्यायी थे, उनमें जो विद्रोह की भावना थी वो काफ़ी अधिक देखी जा सकती थी, और जो सामान्य जनता थी वो तो असंतुष्ट थी, और जो सामान्य जनता थी वो अंग्रेज़ों के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी, तो उनमें भी जो विरोधी भावनाएं थी वो पनप रही थी। तो सामंत लोग कौन होते थे, सामंत लोग वो लोग होते थे जो राजा नियुक्त करते थे कुछ ऐसे लोगों को जो उनके लिए ही काम करते थे। तो जो ये सामंत लोग थे वो राजा के लिए जो सेना वगैरह है उनको तैयार करते थे, और ये काफ़ी वफादार होते थे राजा के प्रति। तो इस तरह से जो राजा होते थे कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त करते थे जिनका काम सिर्फ राजा के लिए ही काम करना होता था। तो जो ये विद्रोह की भावना बहुत ज़्यादा पनप रही थी, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मई सन 1857 में मेरठ की जो भारतीय सेना थी उसने बगावत कर दी। तो मई सन 1857 में क्या हुआ, स्वाधीनता संग्राम हुआ, देश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध हुआ। तो जो ये विद्रोह की योजना बनाई गई थी काफ़ी खुफिया तरीके से, काफ़ी गुप्त तरीके से बनाई गई थी, लेकिन जो विस्फोट हुआ वो टाइम से पहले हो गया। तो जो नेता थे उनकी योजना जो थी वो बेकार हो गई। तो ये जो विद्रोह था वो केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, केवल सेना ने विद्रोह नहीं किया था, बल्कि एक जन आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन में सारी जनता ने भाग लिया था। और ये जो आंदोलन था वो कैसा था, इसलिए किया गया था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। तो जो ये जन आंदोलन था वो प्रमुख रूप से दिल्ली, संयुक्त प्रांत और मध्य भारत के कुछ भाग और बिहार तक सीमित था। तो ये जो लोगों का आंदोलन था वो प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ था, दिल्ली, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ राज्यों को मिलाकर जो प्रांत बना है उसे कहते हैं संयुक्त प्रांत, और मध्य भारत के कुछ भाग और बिहार तक जो ये आंदोलन था वो सीमित था। यहीं पर ये ज़्यादा हुआ, विदेश विरोधी जो आंदोलन था वो देखा गया। तो जो ये विरोध था वो सामंतीय विस्फोट था, जिसका नेतृत्व सामंत सरदार उनके अन्यायी कर रहे थे। तो इस तरह से जो विदेश विरोधी भावनाएं थी उनको फैलने में मदद मिली, और उस टाइम में जो दिल्ली थी वहाँ पर जो मुगल राजवंश था, मुगल शासक था, वो था बहादुर शाह जफर, जो कि काफ़ी दुर्बल हो गया था, वृद्ध था, अशक्त था, इसमें इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हिंदू और मुसलमान थे दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा लिया।
तो इस विद्रोह ने क्या किया, ब्रिटिश शासन पर बहुत अधिक दबाव डाला, लेकिन अंत में भारतीय सहायता से ही इस विद्रोह का दमन हो गया, इस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन जो आम जनता थी उसकी सामंत सरदारों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति थी। तो इस विद्रोह से क्या हुआ, कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता थे वो उभर कर सामने आए, उनमें एक थे तात्या टोपे। तो इन्होंने कई महीनों तक अंग्रेज़ों को परेशान किया। तो जो तात्या टोपे थे वो एक छापामार नेता थे। तो छापामार नेता वो नेता होते हैं जो कि जो अंग्रेज लोग होते थे उनके यहाँ अचानक पहुँच जाते थे घरों में और जो कुछ मिलता था उसको लूटपाट करके ले आते थे। तो इस तरह से जो तात्या टोपे थे उन्होंने कई महीनों तक अंग्रेज़ों को परेशान किया और आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया तो उनको उम्मीद थी कि मराठा क्षेत्र है उसमें क्या होगा, जो ये है तात्या टोपे ये भी मराठे थे तो इनको लग रहा था वहाँ से इनको काफ़ी सहायता मिलेगी, इनका स्वागत होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनके साथ धोखा हो गया। और दूसरा नाम है जो आज भी लोग श्रद्धा के साथ लेते हैं बहुत अधिक, वो है महारानी लक्ष्मीबाई। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने 20 वर्ष की कम उम्र में ही अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया था, बहुत अच्छे से युद्ध किया था अंग्रेज़ों से, लेकिन वो क्या हुआ था, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जिस अंग्रेज जनरल ने उनका मुकाबला किया था उन्हीं ने उनकी बहादुरी के बारे में लिखा है कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो एक विद्रोही नेता के रूप में सामने आई, लेकिन जो और भी विद्रोही नेता थे उनमें सबसे अधिक सर्वोत्तम, सबसे अच्छी और सबसे बहादुर इनको कहा गया। जो कि अंग्रेज जनरल थे जिन्होंने इनके साथ मुकाबला किया था उन्होंने ही ऐसा कहा। तो जो भी हमें इस बारे में इतिहास मिलता है, इस विद्रोह के बारे में, इसको जो दमन हो गया इसका, उसके बारे में जो कुछ इतिहास मिला है उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है, बहुत झूठ और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है इसके बारे में। तो इस विद्रोह के बारे में जो भारतीय हैं वो क्या सोचते हैं, वो शायद जो किताब थी उसके पृष्ठों तक नहीं पहुंच पाया, मतलब जो किताब लिखी गई इसके बारे में कि भारतीय इस विद्रोह के बारे में क्या सोचते हैं, वो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया किताबों में। तो जो वीर सावरकर थे उन्होंने 30 साल पहले एक किताब लिखी, पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था द हिस्ट्री ऑफ द बार ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन जो ये पुस्तक थी वो मार्केट में आई नहीं, इसको जब्त कर लिया गया क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई गई थी। तो जो ये विद्रोह था इसने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथों में ले लिया। और जो भारतीय सेना थी जिसने बगावत की थी और जिसने विद्रोह की शुरुआत की थी उसने क्या किया, अपना नए सिरे से संगठन किया, क्योंकि पहले ये ज़्यादा संगठित नहीं थे तो इन्होंने दोबारा संगठन किया अपना अच्छे से। और इस तरह से जो ये टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इस टॉपिक में यही बताया गया है कि जो ब्रिटिश शासन था उसके 100 साल बाद जो बंगाल था उन्होंने जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासक थे, उनके साथ समझौता कर लिया क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ गया था और सूखा पड़ने से इनकी जो आर्थिक दशा थी काफ़ी ख़राब हो गई थी और जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो भी पश्चिम की ओर देख रहा था, उनको लग रहा था कि अंग्रेज लोग कुछ उदारता दिखाएंगे, उनके सहारे उनका कुछ भला होगा, प्रगति होगी। और यही स्थिति जो थी वो दक्षिण और पश्चिम भारत में जो मद्रास और मुंबई थी वो भी वहाँ पर भी यही सोचा जा रहा था कि अंग्रेज लोग कुछ उनकी सहायता करेंगे, लेकिन जो उत्तरी सूबा था उसमें ऐसा जो व्यवहार था वो नहीं दिखाई दिया, उन्होंने कोई उम्मीद नहीं रखी थी अंग्रेज़ों से। तो विशेष रूप से जो सामंत सरदार थे और उनके अन्यायी थे उनमें काफ़ी अधिक विद्रोह देखा गया और जो आम जनता थी वो भी इन लोगों के काफ़ी खिलाफ थी अंग्रेज़ों के। तो सन 1857 में, मई सन 1857 में जो मेरठ की भारतीय सेना थी उसने बगावत की और जो जनता थी उसने भी काफ़ी विद्रोह किया। तो इस तरह से 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था। तो 1857 का जो युद्ध था वो कहलाया प्रथम स्वाधीनता संग्राम। तो इस तरह से जो ये जन आंदोलन था, खाली ये सेना का आंदोलन नहीं था बल्कि सारी जनता ने इसमें काफ़ी ज़्यादा भाग लिया था। और प्रमुख रूप से जो जन आंदोलन था ये दिल्ली, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत के कुछ भाग, बिहार तक सीमित था। तो ये एक सामंतीय विस्फोट था। तो इसमें जो ये सामंत लोग थे इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जो व्यापक रूप से विदेश विरोधी भावनाएं थी वो बलवती हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों में विदेश विरोधी भावनाएं थी वो पनपी थी।
और जो दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे, हालांकि वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, दुर्बल थे, लेकिन हिंदू और मुसलमान थे, दोनों ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश शासन था, वो पूरी तरह से दबाव में आ गया था, लेकिन बाद में जो ये विद्रोह था उसको दबा दिया गया। तो आम जनता की इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति थी और इस विद्रोह से छापामार जो नेता थे वो सामने आए, जिनमें तात्या टोपे हैं, उनका नाम प्रमुख है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को परेशान किया था। फिर उन्होंने नर्मदा नदी है उसको पार किया, उन्होंने सोचा मराठे लोग इनकी सहायता करेंगे, पर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरा नाम है वो है रानी लक्ष्मीबाई का। तो ये अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा लड़ी थी, इनका बहुत अधिक सामना किया था, लेकिन ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी, तब इनकी आयु 20 वर्ष थी। तो जो अंग्रेज़ जनरल है जिसने इनके साथ मुकाबला किया, उन्हीं ने इनके बारे में लिखा था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। और जो विद्रोह और दमन हुआ उसका जो हमें इतिहास मिला है उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है, काफ़ी झूठा इतिहास लिखा गया। तो भारतीय लोग हैं वो इस दमन के बारे में, इस विद्रोह के बारे में क्या सोचते हैं, वो शायद किताब के पन्नों तक पहुँच ही नहीं पाया, मतलब उसमें लिखा नहीं गया, सच्चाई कुछ दिखाई नहीं गई। और जो वीर सावरकर थे उनकी जो किताब थी द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें सच्चाई दिखाई गई थी, लेकिन इस किताब को मार्केट में बाज़ार में आने ही नहीं दिया गया, इसको जब्त कर लिया गया। तो इस विद्रोह ने क्या किया था, जो ब्रिटिश शासन था उसको पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथों में ले लिया। और जो भारतीय सेना थी उसने जो विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसने उसने अपनी सेना का नए सिरे से संगठन किया, क्योंकि पहले इतना अधिक संगठित नहीं थी ये। तो बच्चों आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।